होते बना पड़ा है ना, उनमें कणों की व्यवस्था क्या है ये भी पढ़ लिया है, कौन से घुलनशील पदार्थ है कौन से अघुलनशील पदार्थ है। आज हम लोग उन पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो पदार्थ तैरते हैं पानी में या डूब जाते हैं, जैसे हल्के हैं या भारी हैं। इन चीजों के बारे में हम लोग एक बढ़िया सा प्रयोग करेंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन से पदार्थों को क्या कहेंगे और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बुला लेते हैं, आ जाओ भाई, उस दिन कौन नहीं आया था, आज नया बच्चा आएगा। हाँ पा तुम आ जाओ शिवा, आ जाओ। इसमें तुम जो है कोई एक चीज उठाकर पानी में डालो। क्या डाला पानी में? लकड़ी। ये देखो बच्चों, देख लो इसमें लकड़ी रखी है, नील रखा है, और इसमें देख लो ये रखा हुआ है मोम, दिख रहा सबको? और ये देखो रखे हैं कंचे, कांच, और ये हम इसमें डाल देते हैं एक सिक्का भी, देखते हैं ये पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। और ये हमारे पास है तेल। ये इतनी चीजें हैं और तुम घर में भी प्रयोग कर सकते हो, कोई और चीज डाल के देखो पानी में डूब रही है कि नहीं डूब रही है, क्या हो रहा है ना, कुछ ना कुछ करो जरूर। तो ये देखो यहाँ पर शिवा ने इसमें देखो लकड़ी का टुकड़ा डाला है, डाला है तो लकड़ी का टुकड़ा क्या हुआ, पानी में डूबा, तैर रहा ना पानी में। यस मैम। तो ये पानी में लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल से हल्का है, जल से हल्का है और पानी में ये डूबता नहीं। अगर डूब जाए हम लोग नाव पे सवारी करते ना, मैम, वो लकड़ी की बनी होती है, बनी होती है, अगर वो डूब जाती तो कैसे तैर उसे बैठ के सवारी करते, इसका मतलब लकड़ी पानी में नहीं डूबता। बैठ जाओ बेटे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पदार्थ क्या हुआ, यहाँ पर लकड़ी, और लकड़ी पानी में क्या होती है, तैरती है, हमने यहाँ लिख दिया तैरती है। जल से हल्की है कि जल से भारी, जल से हल्की, यहाँ पर जल से हल्की, समझ आ रहा सबको? यस मैम। इसके बाद दूसरा पदार्थ लेंगे और हमारे पास आएगा दूसरा बच्चा, आ जाओ सच्चा। कोई एक पदार्थ ले लो, सारिका ने डाला इसमें कांच, पानी में तारा कि डूबा, डूब गया पानी में, तुम देखो पानी में डूबा कि तैर गया, डूब गया। तो ये जल से हल्का हुआ कि भारी, भारी। ये जल से भारी हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कांच, कांच। तुम बैठ जा बेटा, कांच डूब जाता है, डूब जाता है ना, यस मैम। और दूसरी बात, जल से हल्का कि भारी, भारी, जल से भारी। इसके बाद हम दूसरा पदार्थ डालेंगे और हम बुला लेंगे जिसने उस दिन ना किया हो, आ जाए भाई, अपने आप से हाथ खड़ा करो, चलो आ जाओ। इसमें से कोई एक पदार्थ लो, जो भी लेना चाहो। इन्होंने लिया सिक्का, दिखा दो बच्चों को, सिक्का लिया है, क्या हुआ देख के बताओ, पानी में डूब गया, यानी सिक्का पानी में डूब गया, डूब गया। ठीक है, तो जल से हल्का हुआ कि भारी, भारी, जल से भारी है। ठीक है, बैठ गया बेटा, सिक्का डूबता है और जल से भारी है, जल से भारी है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, बुलाएंगे किसको, आ जाओ अनुभव, आ जाओ फटाफट जल्दी से, इसमें से कोई एक पदार्थ उठा लो, क्या उठाया, कील, हाँ दिखा दो बच्चों को, दिखा दो कील, आप डालो पानी में कील, देखो डूबी कि नहीं, डूब गई, इधर देखो तुम लोग, मैं डूब गई, कील पानी में डूबती है, तो ये जल से क्या हुई, भारी, भारी हुई, यानी कि लोहा, कील किससे बनी होती है, लोहे, लोहे से बनी होती है, तो कील, बैठ जाओ तुम, डूबती है और जल से भारी है, जल से भारी। इसके बाद अगला बच्चा आ गया जिसने नहीं किया था, उसने तुम बैठो पहले, ही आ गए एक भाई, एक लड़का लड़की से मिलाएंगे नंबर, एक गर्ल एक बॉय, आ जाओ फटाफट जल्दी से आ जाओ, और तुम डाल के देखो इसमें कोई चीज जो न डाली गई हो अभी तक, आओ क्या डालोगी इसमें, जल्दी से आओ, क्या डालोगी, तेल डालोगी, खोल के डालो, इसे लकड़ी वाले में डालो, बस बस देखो तेल क्या हुआ, डूब गया तेल, क्या तुम लोग देखो तेल डूबा, ये लकड़ी वाला हम निकाल देते हैं चम्मच से, अब देखो तेल नहीं है, तेल तैरता है ना, ये नहीं डूबा, इसका मतलब क्या हुआ, तेल हल्का है,
हल्का है, किससे हल्का है? पानी से। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। कलम से पूछेंगे? यस मैम। पास में जल से हल्का। यस अब हमारे पास कौन सी चीज बची है? मैम मोम। मोम बचा है? इसको डालो, हाँ डाल दो, इस ग्लास में डालो, ये निकाल दे, पहले का सामान हम निकाल देते ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो मोम डाला है, और देखो क्या हुआ, मोम क्या हो रहा है, तैर रहा है मोम, इसका मतलब ये जल से हल्का।